अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अर्तगल गाजी सीजन 3 के एपिसोड 46 में आपको दिखाया जाएगा। इस एपिसोड में जावेदार कबीले के सिपाही बातुआन को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाते हैं। बातुआन कहता है, अपनी तलवारें नीचे कर लो, मैं खुद यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ। मैं तुम लोगों की आंखों में जावेदार कबीले के लिए वफादारी देख सकता हूँ। अब या तो मुझे अपने कबीले ले जाओ या तो फिर हम मिलकर अपने कबीले को पुराने शानदार वेलों की तरफ ले जाएं। एक सिपाही कहता है, तुम क्या बताने की कोशिश कर रहे हो बातुआन? बातुआन कहता है, पहले आप ये जान लो कि मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं सिर्फ उराल के हुक्म पर चला हूँ। लेकिन उराल बिला शुबा एक गद्दार है। सिपाही कहता है, अरतरुल हाली बाजार में उसका सर काट देगा और वो अपने गुनाहों के साथ दफन हो जाएगा। लेकिन इन सब चीजों का सबूत कहाँ है? बातुआन कहता है, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने ये भी देखा है कि उसने अरतरुल की सोने की कान बंद करवा दी थी। सोने की कान का सुनकर सिपाही चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ चोलपन की तबीयत खराब होने के बाद कबीले की दाई उसका मुआयना कर रही थी। इसके बाद दाई कहती है, मुझे अफसोस है, बच्चा मर चुका है असला खान खातून। फिर रोने लगती है और गुस्से में कहती है, अरतरुल। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में जिरका शुरू हो गया था ताकि नए सरदार का इंतखाब किया जा सके। अलियार कहता है, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आकर मुझे शर्फ बख्शा है। अपने बाबा की वफात के बाद मैं अपने कबीले का नया सरदार बनना चाहता हूँ। ये सुनकर कबीले का एक आदमी अजार बोल पड़ता है, आपने कबीले के मामलात को बेनकाब कर दिया था और अपने बाबा की मौत की वजह बने हो, अब आप कबीले का सरदार बनना चाहते हो। लेकिन आप ये जान लो, ना ही मैं और ना ही जिरगे के दूसरे लोग ये होने देंगे। आपसे पहले कबीले की सरदारी का हक मेरा है। इतने में असला खान अंदर दाखिल होती है और कहती है, अलियार की वजह से एक और मौत हो गई है। ये सुनकर अलियार गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, अपनी हद में रहो असला खान। फिर असला खान कहती है, उराल भाई का बच्चा पैदा होने से पहले ही फोत हो गया है। चोलपन खातून उराल का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो खुद भी मौत से लड़ रही है और आप लोग यहाँ नए सरदार के बारे में बात कर रहे हैं। फिर असला खान अलियार को कहती है, इस सब के जिम्मेदार तुम और अरतरुल हो। फिर वो बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ बातुआन जावेदार कबीले के तीन सिपाहियों को सोने की कान का लालच देकर अपने साथ मिला लेता है और उन्हें कहता है, कल तुम एक जगह आ जाना, फिर मैं तुम्हें सोने की कान दिखाऊंगा। दूसरी तरफ तुरगुत उराल को लेकर हाली बाजार में पहुंच गया था। इतने में अंदर से अरतरुल भी आ जाता है ताकि उसकी सजा मुकम्मल की जा सके। उराल कहता है, ये काम जल्दी करो अरतरुल, वैसे भी तुम्हारा खानदान हमारे खून में डूबने वाला है। अरतरुल कहता है, तुरगुत ले आओ इसे। लेकिन इतने में ढोल बजते सब रुक जाते हैं। वसूलियस वहाँ पहुँच गया था जो पैतरोस और लस्कारिस को अपने साथ लाया था। फिर वो पास आकर काजी को कहता है, काजी हजरत मैं कुछ कहना चाहता हूँ। काजी कहता है, बोलो कमांडर वसूलियस। वसूलियस कहता है, काजी हजरत जैसा कि मैं गवर्नर बन गया हूँ, अमन कायम रखना मेरी भी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं इन दो कातलों को आपके सामने लाया हूँ। इतने में सादतीन अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है और आते ही वसूलियस को कहता है, कमांडर वसूलियस आप यहाँ क्या कर रहे हो और ये सजा क्यों रोक दी गई है? वसूलियस कहता है, मैंने लस्कारिस से गवर्नर के कत्ल की तफ्तीश की थी लेकिन उसमें दूसरा आदमी शामिल था जो हली बाजार में ताजर हसन के नाम से जाना जाता था और इसी ने गोनल के कत्ल का मंसूबा बनाया था लेकिन इसने इंजाम उराल पर लगा दिया ताकि दोनों रियासतों के दरमियान अमन को खत्म किया जा सके, इसीलिए हम अपना मुकदमा वापस लेते हैं। सदुद्दीन कहता है, सलीबियों ने हम सबको धोखा दिया है, काजी हजरत उराल साहब बेगुनाह है, इसीलिए इनको आजाद कर देना चाहिए। यह सुनकर उराल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और कहता है, अरतरुल साहब आप इंसाफ की बात कर रहे थे, अब साबित हो गया है कि मैं बेगुनाह हूँ, अब तुम मेरे इंसाफ का सामना करोगे। अरतरुल कहता है, मैं कैसे मान लूं कि आप सच बोल रहे हो कमांडर वसूलियस। वसूलियस एक सिपाही को रजिस्टर लाने का इशारा करता है और सबको कहता है, ये रजिस्टर सिमन के दफ्तर का है जो कि मुझे पैतरोस से मिला है। सादतीन रजिस्टर देख कर कहता है, ये सही है काजी हजरत। फिर काजी भी वो रजिस्टर देखता है। वसूलियस कहता है, मेरे पास एक और भी सबूत है। फिर वो हेलेना को बुलाकर उससे पूछता है, क्या ये वही आदमी है जिसने शाही काफले पर हमला किया था? हेलेना कहती है, हाँ ये वही आदमी है, ये उन सब का कमांडर था। वसूलियस कहता है, इसी आदमी ने तुम्हारे बाबा को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। ये सुनकर हेलेना गुस्से में आ जाती और उसे कातिल कातिल कहना शुरू कर देती है। इतने में वसूलियस अपना खंजर निकाल लेता और फौरन पैतरोस और लस्कारिस के गले काट देता है। वो दोनों उधर ही गिर कर मर जाते हैं। फिर वसूलियस कहता है, इंसाफ हो गया है।
दूसरी तरफ जावेदार कबीले में अलियार जिरगे के लोगों से कहता है, जैसा कि उराल भाई का बच्चा फोत हो गया है, हमारे लिए गम का वक्त है, इसलिए हमें ये जिरगा मुलतवी कर देना चाहिए। जिरगे के लोग भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं और उठकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वसूलियस कहता है, मैंने आपके सामने कातिलों को सजा दे दी है, इसीलिए ये मुकदमा मेरे लिए अब खत्म हो चुका है। अब उराल के साथ क्या करना है ये फैसला अब आपका होगा। ये कहकर वसूलियस जाने लगता है तो अर्तुरल कहता है, गोनल वसूलियस, जो आदमी खुद से सारा इंसाफ कर देता है वो लाजमी कुछ छुपा रहा होता है। वसूलियस कहता है, अर्तुरल साहब, मैंने ऐसा करके ना ही सिर्फ आपको बचाया है बल्कि पूरी तुर्क कबीलों को बचाया है। अर्तुरल कहता है, ये जान लो कि जो मुकदमा अभी तुमने बंद किया है वो मेरे लिए दोबारा खुल गया है। इंसाफ तब होगा जब ये फितना खत्म हो जाएगा। सदतीन कहता है, अर्तुरल साहब, ये वाजह हो गया है कि गोनल का कत्ल उराल पर सिर्फ एक बातून था और कोई भी इसे छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि हमें हकीकत का पता लग चुका है। फिर वसूलियस हेलेना को लेकर वहां से चल पड़ता है। बामसी भी आगे खड़ा था। हेलेना उसे देखकर रुक जाती और उसके पास आ जाती है। वसूलियस के जाने के बाद अर्तुरल कहता है, उराल, मैंने अभी तक अपने आखिरी अल्फाज नहीं बोले, तुम्हारा जिदी सर अभी भी मेरी तलवार के नीचे है। सदतीन कहता है, काजी हजरत, हमारे कवानीन ये बताते हैं कि ऐसी सूरत हाल में सजा को मुलतवी किया जाता है और फिर फैसले पर दोबारा नजरसानी की जाती है। काजी हजरत आगे आकर कहता है, अमीर हजरत सही कह रहे हैं, हमें फैसले को दोबारा देखना होगा। अर्थरोल कहता है, काजी साहब, आप सिर्फ इंसाफ को मुलतवी कर रहे हैं, ये हकीकत नहीं बदली कि उराल ने मेरे सिपाहियों को शहीद किया था। काजी कहता है, हमने उराल साहब पर दो मुकदमे चलाकर फैसला किया था, एक गवर्नर का और दूसरा आपके सिपाहियों का। अब हमें दोबारा मुकदमा चलाना होगा जिसमें हम सिर्फ आपके शहीद सिपाहियों का मुकदमा देखेंगे, लेकिन क्योंकि जुर्म साबित हो चुका है इसलिए मुकदमे का फैसला तब्दील नहीं होगा। उराल कहता है, इंसाफ अब होगा अर्तुरल साहब, सब लोग देख लेंगे कि आप झूठे हो। अर्तुरल अपने सिपाहियों को इशारा करता है, इसे अंदर ले जाओ। फिर तुर्को तो दवान उसे पकड़ कर अंदर ले जाते हैं। सदतीन और तीनों काजी भी अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हेलेना और बामसी हंसकर आपस में बातचीत कर रहे थे तो वसूलियस उन्हें देख कर गुस्से में आ जाता है। हेलेना को गुस्से से आवाज देकर कहता है, इन तुर्कों के ज्यादा करीब मत हो लेना, ये वो गिदड़ हैं जो अपने शिकार के साथ खेलते हैं। ये सुनकर बामसी भी गुस्से में आ जाता है और वसूलियस के पास आकर कहता है, कमांडर, हम तुम जैसे नहीं हैं, हम किसी के साथ भी नहीं खेलते और सब जानते हैं कौन गिदड़ है और कौन शेर। फिर हेलेना उनके दरमियान आ जाती है और उन दोनों को लड़ने से रोकती है और वसूलियस को कहती है, चलो चलें। फिर वो वापसी की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अलियार कहता है, कुतलूजा, अजार साहब की सरदार बनने की ख्वाहिश एक अच्छी अलामत नहीं है, मुझे लगता है इसके पीछे सदतीन है, लेकिन हम किसी को भी अपने कबीले में इख्तलाफ पैदा नहीं करने देंगे। कुतलूजा कहता है, मैं अपने आखिरी सांस तक आपका वफादार रहूंगा अलियार साहब। अलियार कहता है, आप फौरन अर्तुरल साहब के पास जाओ और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करो। दूसरी तरफ उराल को एक बार फिर कमरे में बंद कर दिया जाता है। राल कहता है, तुम देख लेना, मैं जल्द आजाद हो जाऊंगा, फिर तुम्हारे पीछे आऊंगा। दूसरी तरफ हलीमा कहती है, वो दोबारा मौत से बच गया, पता नहीं ये कब मरेगा। हकीम अर्तो कहता है, वो गवर्नर के कत्ल से बरी हो गया है, लेकिन उसने जो हमारे सिपाहियों को शहीद किया है उससे बच नहीं सकेगा। अर्तुरल कहता है, वसूलियस ने कैसे एक रात में उन दोनों को ढूंढ लिया और पेत्रोस को खुद ही कत्ल कर दिया। हाइमा खातून कहती है, तुम्हारे जेन में क्या है बेटा। अर्तुरल कहता है, मुझे लगता है वसूलियस हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है और वो सदतीन के साथ मिल गया है। उन दोनों का असल मकसद ये उराल को रिहा करवा के जावेदार कबीले का सरदार बनाया जाए। दूसरी तरफ सदतीन काजी के पास बैठा हुआ था और कहता है, उराल तजारत की हवस में बहुत आगे चला गया था, लेकिन उसने अपने आदमियों को सिर्फ कालीने जलाने का हुक्म दिया था, लेकिन बातुमान जो अभी भागा हुआ है उसने डाकुओं के साथ मिलकर सब सिपाहियों को कत्ल कर दिया था। काजी कहता है, आपका क्या मतलब है अमीर सदतीन। सदतीन कहता है, ये वाजह है कि इस वाके का जिम्मेदार उराल है, लेकिन उसको मौत देना इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से दोनों कबीलों में मुखालफत पैदा हो जाएगी और उसके नतीजे में बहुत से मुसलमान भाई एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। ये सुनकर काजी उसे कुरान पाक की सूरत का हवाला देकर कहता है, किसी के नुकसान का बदला उसके बराबर नुकसान है, लेकिन अगर अगला बंदा माफ कर दे और सुलह कर ले तो फिर उसे उसका इनाम अल्लाह देगा।
इसलिए यह फैसला हमारे हाथ में नहीं है अमीर हजरत। अगर अर्तुगरल साहब चाहें तो शहीद सिपाहियों के खानदान से बात करके उन्हें कसाज या दियत दे सकते हैं, अब फैसला उनके हाथ में है। दूसरी तरफ हाजतोरियन और दुमरल गोनल के किले में पहुंच जाते हैं। इतने में वसूलियस और हेलेना वहां पहुंचते हैं। हेलेना हाजतोरियन को देखकर कहती है, तो आप वो ताजर हैं जो मेरे बाबा की दुकान किराए पर लेने चाहते हैं। हाजतोरियन कहता है, मेरा नाम उस्ताद अलवन है, मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा, मुझे आपके बाबा के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वसूलियस उसे गौर से देखकर कहता है, तिजारत से पहले तुम क्या करते थे, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाजतोरियन कहता है, आपने मुझे लाजमी कहीं देखा होगा, मैं पूरी दुनिया में कारोबार करता हूँ। फिर हेलेना कहती है, मुझे खुशी होगी आप हमारे किले में तिजारत करें। फैसला करने से पहले मैं आपको अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ, लेकिन आज मैं काफी थक गई हूँ। हाजतोरियन कहता है, कोई बात नहीं, कल मैं दोबारा आ जाऊंगा। फिर हाजतोरियन और दुमरल वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में एक सिपाही आकर असलाहान को बताता है कि उराल साहब गोनल के कत्ल से बरी हो गए हैं। ये सुनकर असलाहान अलियार के खेमे में जाकर कहती है, उराल साहब गोनल के कत्ल से बरी हो गए हैं, अब अर्तुगरल की मदद से आपका सरदार बनने का मंसूबा नाकाम हो गया है। अलियार कहता है, मैंने कभी सरदार बनने का मंसूबा नहीं बनाया असलाहान, गुस्से ने आपको अंधा कर दिया है। गोनल के कत्ल से बचने की कोई चीज तब्दील नहीं होती, उसने कई कबीलों के सिपाहियों का भी खून बहाया था। असलाहान कहती है, उराल भाई ने सिर्फ कालीने जलाने का हुक्म दिया था, सिपाहियों को कत्ल करने वाला बातुआन था, और यह भी साबित हो जाएगा। दूसरी तरफ बातुआन एक गार में सिपाही के साथ बैठा हुआ था और कहता है, तो उराल गोनल के कत्ल से बरी हो गया है, सादतीन कोपेक पर लानत है, वो हर चीज कर सकता है, अब वो उराल को दूसरे मुकदमों से भी बरी करवाने की पूरी कोशिश करेगा। सिपाही कहता है, अब हम क्या करेंगे बातुआन। बातुआन कहता है, हमें देखना होगा नया सरदार कौन बनता है, फिर जो भी जरूरी हुआ वो हम करेंगे, तुम हर चीज से मुझे आगाह रखना। सिपाही कहता है, आप परेशान मत हो, हम तैयार हैं, जब आप हमें हुक्म दोगे तो हम हरकत में आ जाएंगे। और यहाँ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल RFM टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज़।